सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम द बीस्ट पोस्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि रॉबिन सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने करियर के टॉप से अभी बिल्कुल डाउन में आ चुके हैं। सो शुरू गाइस का वीडियो। सो पहले बात कर लेते कि रॉबिन सिंह का करियर शुरू कहाँ से हुआ। सो रॉबिन सिंह 4 साल तक पहले टाटा फुटबॉल एकेडमी में था और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था। फिर रॉबिन सिंह आया ईस्ट बंगाल में। सो ईस्ट बंगाल में रॉबिन सिंह को एक बहुत ही अच्छा टाइम मिला और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। 42 मैचेस में 14 गोल्स किए थे रॉबिन सिंह ने और 3 साल थे ईस्ट बंगाल में। बट मेनली जो लास्ट था 2012 एंड 13 का जो सीजन था आई लीग में, उसमें रॉबिन सिंह ने एकदम ही नेक्स्ट लेवल गेम प्ले दिया, एकदम ही नेक्स्ट लेवल खेला था। और हम सबको एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, रॉबिन सिंह कुछ करेगा, मतलब इंडिया का एकदम टॉप स्ट्राइकर बनेगा। और उसके बाद 2012-13 था ईस्ट बंगाल के लिए लास्ट सीजन रॉबिन सिंह का। उसके बाद रॉबिन सिंह गया बेंगलुरु एफसी में। तो बेंगलुरु एफसी में भी उनको वही अच्छा प्ले टाइम मिला और इस बार बेंगलुरु एफसी में उनको 41 मैचेस मिला, जिसमें से उन्होंने 11 मैचेस में गोल किए थे, और जो कि अगेन इट्स अ गुड थिंग, बट उतना भी हाई नहीं है। बट हाँ, कभी कुछ कुछ मैचेस में सब्स्टिट्यूट भी हुए थे। अब बेंगलुरु एफसी में उनको जो प्ले टाइम है वो थोड़ा सा कम मिला था, ठीक है। और जो मुझे लगता है, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ मैंने क्यों बोला, बट हाँ, बेंगलुरु एफसी में उनको प्ले टाइम कम मिला और उतना कुछ बड़ा अचीवमेंट बेंगलुरु एफसी में जब वो थे तब आई थिंक एक बार आई लीग जीता था। सो हाँ, वो एक अचीवमेंट था और बिग अचीवमेंट फॉर रॉबिन सिंह। सो उसके बाद वो गए दिल्ली डायनामोस में। आईएसएल का फर्स्ट सीजन दिल्ली डायनामोस से वो लोग आईएसएल में आए रॉबिन सिंह, और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। 13 मैचेस में 4 गोल और फिर से वही प्ले टाइम कम होता गया। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, प्ले टाइम धीरे 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 कम हो रहा है। अब नेक्स्ट सीजन 2016-17 वो गए गोवा में रॉबिन सिंह का करियर का डाउनफॉल, और यहाँ पे उन्होंने 10 मैचेस खेले और सिर्फ एक गोल दिया, सिर्फ एक गोल किया था 10 मैचेस में। अब हम फिर से 2015 में वापस जाते हैं। 2015 में था साफ कप, ठीक है। तो साफ कप में उन्होंने 2 गोल किया था श्रीलंका के अगेंस्ट और चैंपियन भी बनाए थे। और उसी साल रॉबिन सिंह को मिला था इंटरनेशनल मैच में एक नी इंजरी, जो मुझे लगता है एक वाइटल पॉइंट था रॉबिन सिंह के करियर में, क्योंकि उसके बाद रॉबिन सिंह का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ही नीचे चला गया है और ऊपर उठने का कोई अभी तक तो कुछ नामो निशान दिखा नहीं है। सो हाँ, एक नी इंजरी था जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन, मतलब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने बोला था कि 10 दिन का रेस्ट चाहिए रॉबिन सिंह को, बट काफ़ी लंबे टाइम का ही एक रेस्ट दिया था रॉबिन सिंह को। सो मुझे लगता है कि नी इंजरी काफ़ी वाइटल था। ऐसे उस टाइम के जिन्हें के कोच थे उन्होंने खुद बताया था कि रॉबिन सिंह का जो नी इंजरी है वो बहुत, मतलब उतना अभी कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, काफ़ी एक बुरा इंजरी लगा है रॉबिन सिंह को। सो वो एक फैक्टर था। उसके बाद गोवा में वो एक सीजन रहे और परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। फिर वो वापस आए ईस्ट बंगाल में 2017 के लिए, आधे सीजन के लिए। सो वहाँ पे ईस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट किया 14 मैचेस में, जिसमें से उन्होंने बस 5 गोल किए थे। और मैं फिर भी बोलूँगा थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा था, बट बात वही पे आ जाता है कि ग्राफ बड़ा तो था बट उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके बाद वो गए एटीके में। एटीके ने एक अच्छा खासा अमाउंट दे के रॉबिन सिंह को खरीदा या फिर अच्छा खासा वेज दिया। 11 मैचेस खेले एटीके के साथ और मतलब पूरा नहीं, काफ़ी सब्स्टिट्यूट। अभी यहाँ पे प्ले टाइम बिल्कुल ही कम हो गया और एक गोल दिया रॉबिन सिंह ने। तो अब धीरे धीरे प्ले टाइम कम होता जा रहा था और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी रॉबिन सिंह खुद से क्रिएट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आया 2018-19, पुणे सिटी ने सबसे ज्यादा पैसे देके रॉबिन सिंह को खरीदा, सबसे मतलब इंडियन प्लेयर उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा किसी इंडियन प्लेयर को दिया गया था तो वो था रॉबिन सिंह, और बलवंत सिंह को भी उतना ही पैसा दिया गया था। सो 16 मैचेस खेले रॉबिन सिंह ने, एकदम मेन 11 में थे, काफी टाइम मिला और सिर्फ 3 गोल किया, उसमें से सिर्फ 7 शॉट ऑन टारगेट था, और अगेन डिजास्टर परफॉर्मेंस। उसके बाद आया 2019-20 का सीजन, जहां पे हैदराबाद एफसी को होके रॉबिन सिंह खेले 9 मैचेस, 1 गोल दिया, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब, कोई कंसिस्टेंसी नहीं था रॉबिन सिंह के पास। और रॉबिन सिंह धीरे धीरे अभी नीचे के साइड में आ रहा है
और उसके बाद आए रियल कश्मीर में। रियल कश्मीर में होके भी मतलब हैदराबाद से लोन मिल गए थे रियल कश्मीर में, और उसमें 7 मैचेस खेले रॉबिन सिंह ने और 1 गोल किया। और अभी तो बात आ रहा है कि रॉबिन सिंह फिर से ईस्ट बंगाल में जा सकते हैं, और हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा अगर वो ईस्ट बंगाल में जाते हैं। तो मेरे हिसाब से रॉबिन सिंह को अगर अपना करियर फिर से ऑन ट्रैक लाना है तो ही नीड सम प्ले टाइम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि रॉबिन सिंह का परफॉर्मेंस इंडिया में कैसा था। तो शुरुआत के दिन में मतलब पहले 10-12 मैचेस में काफ़ी बढ़िया था, बट उसके बाद धीरे 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 कम होता गया, प्ले टाइम नहीं मिलना शुरू हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं था। जिस प्लेयर का परफॉर्मेंस नहीं होगा वो ऑब्वियसली उनको उतना चांस नहीं मिलेगा, और वही हुआ रॉबिन सिंह के साथ, और उसको भी उतना ज़्यादा चांस मिला नहीं, और जिसकी वजह से रॉबिन सिंह अभी तो इंटरनेशनल टीम में उतना जगह बना भी नहीं पा रहा है। सो हाँ, अब बात करते हैं क्यों ये हुआ। तो मुझे जो लगता है वो है नंबर वन फैक्टर, वो है एक इंजरी। नी इंजरी के बाद उसका जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे चला गया। सो नी इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा जो है वो है प्ले टाइम। सो एक प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर तभी अच्छा खेलेगा जब उसको एक अच्छा सा प्ले टाइम मिलेगा, और वो एक्चुअली नहीं मिला रॉबिन सिंह को। सिर्फ बेंगलोर एफसी में से ही थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया था, फिर दिल्ली डायनामोज में हो गए उनको मिला, बट वो यूटिलाइज नहीं करवा पाए। फिर गोवा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो गोवा ने बेंच में बिठा दिया रॉबिन सिंह को। फिर ईस्ट बंगाल में वो वापस आए, ईस्ट बंगाल में शुरू के मैचेस में कुछ ट्राई दिया बट फिर से वही बेंच पे। एटीके के साथ सेम चीज़, बाकी जितने भी क्लब सब सेम था। पुणे सिटी एफसी ने काफ़ी सारे मैचेस खिलाए थे बट फिर भी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। अब क्या रॉबिन सिंह एक ओवर हाइप प्लेयर है? मैं बोलूंगा नहीं, टैलेंट था। हम लोग शुरुआत के अगर कुछ साल देखे तो रॉबिन सिंह का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही टॉप में था। हम लोग सब सोचते थे कि जे लाल पेखलवा, सुनील छेत्री और रॉबिन सिंह, ये 3 एकदम टॉप स्ट्राइकर हैं। बट रॉबिन सिंह उसके बाद धीरे धीरे खो गया कहीं, और अभी तो ईस्ट बंगाल में जाएंगे तो मुझे लगता है मेन टीम में तो चांस मिलेगा नहीं, तो भी सब्स्टिट्यूट। सो मुझे लगता है रॉबिन सिंह को एक ऐसा क्लब चाहिए जिसको वो अच्छे तरीके से वहाँ पे अपना टैलेंट यूज़ कर सके, या फिर रॉबिन सिंह के पास एक बॉडी एडवांटेज है, एक हाइट एडवांटेज है, जो उनको जो उनका एडवांटेज है उनको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है रॉबिन सिंह, जो कि शुरुआत के सालों में मतलब ईस्ट बंगाल और शुरुआत में जब ईस्ट बंगाल में था, बंगलोर एफसी में था, तब वहाँ पे यूटिलाइजेशन था उस चीज़ का। मैंने जब रॉबिन सिंह को देखा था तो देख के लगता था कि हाँ यार ये बहुत अच्छा प्लेयर है, और एक्चुअली है जो मैं बता रहा हूँ, जो कि रॉबिन सिंह ने पहले 2 टीम्स के साथ जितने गोल्स किए उतने गोल्स रॉबिन सिंह ने बाकी 7-8 टीम्स के साथ भी गोल नहीं किया। मैं इंडिया टीम को मिला तो तब भी नहीं होगा। सो इतना खराब, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था रॉबिन सिंह का, ये मानना पड़ेगा। सो अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको क्या लगता है कि रॉबिन सिंह को कम प्ले टाइम मिलने की वजह से क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, या फिर नी इंजरी के कारण उसके बाद ही उनका ग्राफ नीचे गया। तो वो सो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है प्ले टाइम कम मिला, क्योंकि जब भी प्लेयर को प्ले टाइम कम मिलता है सो उनका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डाउन जाता है। इंटरनेशनल में भी हम लोग ये बहुत बार देख चुके हैं। तो बस गाइस, प्लीज़ बताना ये वीडियो कैसे लगा, मैं कुछ अलग टाइप का ट्राई कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, और कमेंट करना मत भूलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।